सात रमदान करीम का दिन है। मुर्शद सखी लाल शाहबाज कलंदर की नगरी से लाहौर के लिए बड़े बड़े काफ़िले रवाना हो रहे हैं। दर्जनों गाड़ियां सेवन शरीफ और आसपास से निकलती हैं। 7 तारीख को तमाम बसें लालबाग में बहुत ज़्यादा रश होती है, बसें वहाँ पर ठहरती हैं। पंजाब से भी और अंदरून सिंध से, यानी जो शुमाल सिंध से गाड़ियाँ आती हैं या पंजाब से गाड़ियाँ आती हैं, वो लालबाग में ठहरती हैं, वहाँ पर स्टे होता है। बड़े बड़े काफ़िले ठहरते हैं, जानवर ज़बह करके लंगर पकाते हैं, खुद भी खाते हैं, लंगर चलता भी रहता है। इन दिनों मुर्शद सखी लाल शाहबाज कलंदर की दरबार में काफ़ी रश होती है। नूरानी नूर के हर बला दूर के नारे सेवन शरीफ की फिजाओं में गूंजते हैं। मुर्शद सखी लाल शाहबाज कलंदर की दरबार में तमाम जायरीन आकर यहां से हाजिरी देते हुए फिर आगे नूरानी सरकार की तरफ जाते हैं। कराची से भी आगे पहाड़ों में बलूचिस्तान के इलाके में नूरानी सरकार की ज्यारत है, मज़ार है वहाँ पर। तमाम लाहौतियों के लिए दुआ करते हैं, इनका सफ़र महफूज बने। नूरानी नूर हर बला दूर के नारे सेवन शरीफ की फिजाओं में गूंज रहे हैं। अल्लाह ताला सबका सफ़र महफूज बनाए, आसान बनाए। तमाम सामान लंगर वगैरह गाड़ियों पर लादा गया है और आगे ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा लाहौती बैठे हुए हैं। सबील के लिए पीछे ड्रम भी लगे हुए हैं गाड़ी में। बहुत खूबसूरत मंज़र है ये। तकरीबन 3-4 दिन 5 दिनों के बाद ये इनकी वापसी होगी।